आरबीआई एमपीसी मीटिंग महंगाई दरों के कमी के चलते रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत मौद्रिक नीति समिति की दो दिन की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इस बार एमपीसी की बैठक में रेपो रेट का अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया गया है। यह 6.5% पर बना रहेगा। उन्होंने कहा है कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने ब्याज दरों के स्थिर रखने का समर्थन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी। प्रत्येक दो महीने के अंतर्गत पर होने वाली इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव पर चर्चा की जाती है। अप्रैल महीने में हुई पिछली बैठक में नीतिगत ब्याज दरों का या रेपो रेट बदलने की नहीं किया गया था। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उस दौरान कहा था कि ये फैसला बस इस मीटिंग के लिए लिया गया है और जरूरी नहीं है कि ब्याज दरों का आगे भी इसी तरह रखा जाए। जरूरत पड़ने पर इसे फिर से बढ़ाया भी जा सकता है।